डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो इंसान को डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस से आइडेंटिफाई करता है उस टेक्निक को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं इस टेक्निक की खोज ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने 1984 में की ये टेक्निक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आइडेंटिफिकेशन पे आधारित है सभी इंसानों में 99.9% जीन्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होते हैं और 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग होते हैं एग्जाम्पल ये तीन इंसान हैं ए बी और सी तीनों में 99.9% परसेंट जीन्स सेम है और 0.1% परसेंट जीन्स अलग है ये शॉर्ट सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के जो हर इंसान में अलग है इसमें अराउंड ट्वेंटी टू हंड्रेड बेस पैर होते हैं जो अनेक बार रिपीट होते हैं इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट कहते हैं वी एन टी आर एस जैसे ए में वी एन टी आर एस ऐसे होंगे बी में ऐसे और सी में ऐसे सभी में 99.9 परसेंट जीन्स सेम है और 0.1 परसेंट जीन्स वी अलग है ये रीजन जहां पे वी है वहां की लेंथ हर इंसान में अलग होती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग आइसोलेशन ऑफ डी एन ए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन जेल इलेक्ट्रोफोरासिस सदन ब्लॉटिंग सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रॉप हेबिटाइजेशन और फोटोग्राफी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, होस्ट सेल या टिश्यू से डीएनए आइसोलेट किया जाता है जैसे कि ब्लड हेयर रूट स्किन सलाइवा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में आइसोलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं इस फिनम को आर एफ एल पी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोफिजम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सैंपल्स को एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होते हैं अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस डीएनए पॉजिटिव पोल की तरफ मूव होता है फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट उनके लेंथ पे डिपेंड करती है इससे बैंड्स बनते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय अल्कली ट्रीटमेंट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में स्प्लिट होता है सडन ब्लॉटिंग, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोस फिल्टर पेपर जेल पे प्लेस करते हैं और फिल्टर पेपर ओवरनाइट डीएनए डी फ्रेगमेंट्स को सोप करता है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब प्रॉप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का नॉन सीक्वेंस बनाया जाता है इसे डीएनए प्रॉप कहते हैं डीएनए प्रॉप ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन करते हैं या सी डीएनए प्रिपरेशन मेथड से बनाया जाता है डीएनए प्रॉप को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल्ड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फिल्टर पेपर जिसमें होस्ट डीएनए है उस पे प्रॉप डीएनए को ऐड किया जाता है सिंगल स्ट्रेंडेड डीएनए प्रोब होस्ट डीएनए स्ट्रैंड स्ट्रेंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस को पैर करते हैं इससे नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर पे डीएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है बचे हुए डीएनए एन ए फ्रेगमेंट्स को वॉश किया जाता है फोटोग्राफी एक्सरे फिल्म से बाय ऑटो रेडियोग्राफी नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर को फोटोग्राफ किया जाता है फिल्म को एनालाइज करते हैं टू तो डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं टू तो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रेप और कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस जैसे कि मर्डरर का ब्लड मिला है चार सस्पेक्ट्स का ब्लड सैंपल लिया जाता है और कंपेयर किया जाता है यहां सस्पेक्ट तीन का डीएनए मैच हो जाता है यहां पे आप बैंड्स के पैटर्न को देख सकते हो जो सेम है इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम बायोलॉजिकल फादर बायोलॉजिकल मदर या दोनों फाइंड कर सकते हैं जैसे कि यहां ये चाइल्ड का डीएनए पैटर्न है नोट कीजिए चाइल्ड में 50 परसेंट डी फादर और 50 परसेंट डीएनए मदर का होगा तो पेरेंट्स ई एफ का डीएनए मैच होगा फर्स्ट पैर डीएनए पेरेंट ई e के साथ मैच होगा सेकेंड थर्ड और फोर्थ पैर डीएनए पेरेंट एफ के साथ मैच होगा एंड सो ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है इन पे डिग्री एनालिसिस इन कैट डॉग हॉर्स एंड ह्यूमंस